तो गाइस आज के इस वाले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक प्रॉब्लम शेयर करता हूँ। ये देख सकते हो, ये मेरा एडसेंस का अकाउंट है, ठीक है, और इस पर मैंने एक वेबसाइट को लिंक करके रखा है और मेरे वेबसाइट पे इंप्रेशन भी आ रहा है, पेज व्यू भी आ रहा है, बट इस पर ना क्लिक शो हो रहा है, ना ही CTR, ना ही मतलब CPC शो हो रहा है। इस वजह से मैं अपनी वेबसाइट से अर्निंग नहीं कर पा रहा हूँ, जबकि मेरे वेबसाइट पर ऑलरेडी काफ़ी सारे ऐड आ रहे हैं इस टाइम पर भी। आप में से किसी के पास इस प्रॉब्लम का अगर सुझाव हो तो ज़रूर दोस्तों आप मेरे वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, या फिर कुछ भी यूट्यूब पर वीडियो हो इसके बारे में तो आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। तो गाइस आते हैं टॉपिक पर। तो फिलहाल अभी अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे जिस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो में अगर आप देखोगे तो विकेश भाई के शरीर से यहाँ पे आत्मा निकल जा रहा है। मैंने इस टॉपिक पर कई सारे वीडियो बनाया है, बट आज इस वाले वीडियो को मैं VN ऐप पर आप सभी के लिए एडिट करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा। और आते हैं दोस्तों टॉपिक पर। टॉपिक गाइस यही है, एडिटिंग सिखाना है आपको, बट इस तरह का वीडियो बनाने के लिए आपको एक वीडियो का जरूरत भी तो पड़ेगा। तो गाइस आप यहां पर कुछ इस टाइप से एक्टिंग करके एक वीडियो को शूट कर लीजिएगा, जिस तरह से मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, मैं अपने अंदाज में दिखा रहा हूं, आप अपने हिसाब से यहां पर वीडियो को शूट कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों चलिए मोबाइल की स्क्रीन की ओर लेके चलता हूं, देन आपको दिखाता हूं कैसे आपको वीडियो को एडिट करना है। तो गाइस जैसा मैंने आपको कहा है कि इस वाले वीडियो को मैं VN वीडियो एडिटर ऐप पर एडिट करूंगा। सो दोस्तों देख सकते हो VN वीडियो एडिटर का जो ऐप है मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। अगर दोस्तों ऐप आपके फ़ोन में पहले से इंस्टॉल है तो बहुत अच्छी बात है, वरना ऐप का जो लिंक है आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब फर्स्ट टाइम अगर आप यहाँ पे ऐप को ओपन करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएंगे। यहाँ पर साथियों आपको प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन में जाके, जैसा दोस्तों मैंने आपको वीडियो शूट करके दिखाया है, आप जो अपना वीडियो शूट किए हैं उस वाले वीडियो को सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे टाइमलाइन पर ले आना होगा। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो रिकॉर्डिंग किया हुआ रॉ फाइल है उसको दोस्तों मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके टाइमलाइन पर ले आया हूँ। लाने के बाद साथियों सबसे पहला काम आपको यहाँ पे वॉल्यूम वाले ऑप्शन में जाके यहाँ का आपको वॉल्यूम को जीरो कर लेना होगा। जीरो करने के बाद साथियों अभी आप अपने वीडियो के लास्ट में जाके ये जो VN का वाटरमार्क है इसको आप डिलीट करके हटा दीजिएगा। अब साथियों आपको अपना वीडियो को प्ले करना होगा, और प्ले करके गाइस जहां पर हाथ को कुछ इस तरह से पीछे तरफ झटक रहे हो इस जगह पे आपको साथियों जाना होगा। जाने के बाद आपको यहां पे इस जगह का एक फ़ोटो बनाना है, यानी फ्रीज वाले ऑप्शन पे आप यहां पर क्लिक कर दीजिएगा। देख सकते हो दोस्तों यहां पर एक फ़ोटो आ चुका है। अब आपको इस वाले ऑप्शन पर जाना होगा। जाने के बाद वीडियो को आप यहाँ पर पोज कीजिएगा। अब कुछ इस तरह से गाइस आपको इस जगह का आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट एक ले लेना होगा, और आप जहाँ पर हो उसी जगह को दोस्तों आप यहां पर कुछ इस टाइप से रख के आपको इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद साथियों अभी आपको यहां पर बैक करना होगा, और जो आपने स्क्रीनशॉट यहां पर लिया है इसका काम यहां पर हो चुका है, सो इसको अभी आपको एडिट करके हटा देना है। अब दोस्तों आपको इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, जहाँ पर गाइस आपको remove.bg का ऑफिशियल जो वेबसाइट है इसका लिंक मिल जाएगा। आपको इस वाले वेबसाइट को ओपन करना होगा। यहाँ पर साथियों आप लोग को अपलोड इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और जो फोटो आपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया है वो आपको फर्स्ट में ही दिखेगा, उस वाली फ़ोटो को आपको यहाँ पर ऐड करके डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। कुछ टाइम आप यहाँ पे अगर वेट करोगे तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे फोटो का जो बैकग्राउंड यहाँ पे सक्सेसफुली रिमूव हो गया है। अब आपको यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको अपने गैलरी में सेव कर लेना है। अब आप अपने वीडियो में कुछ इस तरह से वापस से VN ऐप के अंदर यहाँ पर आ जाइएगा। आने के बाद इस जगह पर आपको जाना है जहाँ पर कट लगा हुआ है ना, इस जगह पे आप जाइएगा। यहाँ पर साथियों आपको एड स्टिकर एंड PIP वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। वीडियो एंड फोटो वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पर अभी आप फोटो वाले ऑप्शन में जाइएगा, और आपने जो यहाँ पे फोटो बैकग्राउंड रिमूव किए थे उसको अभी आप सेट कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इस टाइप से इसको बड़ा करना होगा, और बड़ा करके गए जहाँ पर जिस तरह से मतलब आपको पोजिशन है उसी हिसाब से गए इसको भी आप यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एडजस्ट आपको यहाँ पर कर लेना होगा। एडजस्ट करने के बाद गाइस इसका जो लेंथ है जितना आपका वीडियो का ड्यूरेशन होगा उतना ही आप यहां पर कर लीजिएगा। करने के बाद साथियों अभी आप अपने वीडियो में इस जगह पे आइएगा। अब डबल फिंगर की मदद से वीडियो को थोड़ा आपको फैलाना होगा। यहां पर साथियों आपको ये जो फोटो है आपका इसको ब्लैक एंड व्हाइट बनाना है। उसके लिए साथियों आपको फिल्टर वाले ऑप्शन में जाना होगा। यहाँ पर गाइस आप एडजस्ट वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पर आप जो एक्सपोजर है इसको पूरा घटाइएगा, कॉन्ट्रास्ट को पूरा बढ़ा देना होगा, या फिर जो ब्राइटनेस है इसको पूरा घटा देना, मतलब कुछ इस तरह का ब्लैक एंड व्हाइट आपको सीन क्रिएट आपको यहाँ पर कर लेना होगा। इसके बाद साथियों आप यहाँ पर ओके प्रेस कीजिएगा। अब नीचे में आप यहाँ पर अगर खोजोगे
तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे दिखेगा एक ओपेसिटी वाला ऑप्शन जिस पर आपको क्लिक करना है और कुछ इस तरह से गाइस इसका ओपेसिटी को आपको इतना यहाँ पर रखना होगा। रखने के बाद यहाँ पर आप की फ्रेम पे एक बार क्लिक कीजिएगा, ठीक है। प्लस के आइकन पे देख सकते हो मेरे यहाँ पे बन चुका है। अब जस्ट थोड़ा सा इतना आपको स्लाइड करना है, इतना, ठीक है। इसके बाद आपको प्लस के आइकन पर वापस से क्लिक करना होगा। इसको गाइस आपको यहाँ पर इतना उठा के कुछ इस तरह से हल्का इसको टेढ़ा कर दीजिएगा, जिस तरह से साथियों मैं आपको दिखा रहा हूँ सेम टू सेम आपको यहाँ पर करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको मोशन वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे जो इन है इसको आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से फेड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, तो कुछ इस तरह गाइस आपका यहाँ पे इफेक्ट बनेगा। सॉरी इतना भी नहीं करना था, इसको मैं थोड़ा कम करता हूँ जिससे गाइस यहाँ पे इफेक्ट का पता चले यार कि यहाँ पे निकल रहा है बोल के, जैसे तो अभी लग रहा है यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे एंडिंग तक आपको यहाँ पे चले जाना होगा। जाने के बाद साथियों वापस से ये जो की फ्रेम पे इस पर क्लिक करना है, इसको गाइस हल्का सा आपको इतना उठा देना होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे जिस तरह से कर रहा हूँ सेम टू सेम आपको करना होगा। अब दोस्तों बारी है वीडियो में ऑडियो को ऐड करने का, उसके लिए आपको ऑडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाइएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो वाले ऑप्शन पे जाके आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में इस वाले वीडियो का लिंक मिलेगा। अब इस वाले वीडियो से ऑडियो को निकाल के आप यहाँ पे माई ऑडियो वाले फोल्डर पर आपको सेव करना है। यहाँ पर आप इसको ओपन कीजिएगा, चूज वाले ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर दीजिएगा। अब दोस्तों मैं अगर अपने वीडियो को शुरू से प्ले करके आपको दिखाऊं तो मेरा वीडियो गाइस यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखेगा, देख सकते हो। तो गाइस इस तरह से आप बहुत ही आसान सिस्टम को फॉलो करके आप इस तरह का जो वीडियो है बहुत ही आसानी से VN ऐप पर बना सकते हो। बाकी साथियों आपको यहाँ पर शेयर पर क्लिक करना है, यहाँ पर 1080fps को 60 और बिट रेट को अपने हिसाब से रख के अपना वीडियो को दोस्तों आप यहाँ पर सेव कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज का जो वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा आप मेरे वीडियो में जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पर विजिट किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एडिटिंग वाले वीडियो के ट्यूटोरियल के साथ। बाय बाय, टाटा, नमस्कार।